हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर और रैशनल नंबर के अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पढ़ा था। आज हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बताएंगे कि हम विदाउट डिवाइड किए या बिना डिवाइड के कैसे बता सकते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये सब बताने से पहले मैं एक बार फिर आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का जो ट्रिक है या जो फार्मूला है उसके बारे में बता देता हूँ। आपको पता है कि रैशनल नंबर जो है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, पी बाय क्या की फॉर्म में। तो क्या क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए और पी एंड क्या क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। पी एंड क्या क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। रैशनल नंबर के अंदर टू पॉइंट्स होते हैं, रैशनल नंबर के अंदर टू पॉइंट्स होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग का मीनिंग है कि एक वैल्यू जो है या एक पॉइंट के बाद वैल्यू का बार बार रिपीट होना। टर्मिनेटिंग में क्या होंगे, कौन कौन से नंबर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1.23, यानी कि पॉइंट के 1, 2, 3, 4 डिजिट के बाद वो वैल्यू क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाती है या खत्म हो जाती है। ऐसे ही नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, साथ में रिपीटिंग, रिपीट भी वो वैल्यू क्या है, रिपीट भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल 1.23, 23, 23, यहाँ पे क्या है, 23 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये नंबर क्या आ जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है कि खत्म ना होना, और रिपीटिंग का मीनिंग क्या होगा, बार बार रिपीट होना। ऐसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं, 5.23, 23, 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 ऐसे इसमें ये कंटिन्यू चलते रहते हैं। ऐसे ही 4.64, 63, 64, 63, इसके अंदर क्या है कि ये 4 डिजिट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मीनिंग ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग में क्या होता है, टर्मिनेटिंग का मीनिंग क्या है कि खत्म हो जाना या समाप्त हो जाना वहीं पे, कुछ पॉइंट के बाद कुछ देर तक डिवाइड चलेगी, उसके बाद क्या ऑटोमेटिक वो डिवाइड क्या कंप्लीट हो जाती है, यानी कि रिमाइंडर जिसका क्या आता हो, जीरो आता हो, पॉइंट से पहले हो चाहे पॉइंट के बाद हो। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पता करने के लिए टू मेथड है, एक क्या है डिवाइड करके हम पता कर सकते हैं, और दूसरा क्या है इसकी एक ट्रिक या एक इसका एक फार्मूला है उसके थ्रू। पहले हम करते हैं डिवाइड के थ्रू, सपोज कर लेते हैं पहले हम किसको यूज करेंगे, टर्मिनेटिंग का। टर्मिनेटिंग में हम पहले लेते हैं डिवाइड, डिवाइड करके जैसे हम ले लेते हैं वैल्यू 5/4। 5/4 का मीनिंग क्या हुआ कि 5 को हमने 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है। पहले 1 पर पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, 0, 0 हमने उतार लिया, फिर ये जाएगा 2 पर, फिर 0, यहाँ पे 0 आ जाएंगे, जाएगा 5 पर। डिवाइड हमने क्या किया, 5/4 को जब हमने डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, 1.25 आ जाता है। इसका मीनिंग क्या है कि 1.25 के बाद ये पूरा क्या है, कंप्लीट वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद कोई भी वैल्यू रिपीट भी नहीं हो रही है, ना ही ये क्या है कहीं पे कोई और वैल्यू आ रही है इसके बाद, या कंटिन्यू डिवाइड भी नहीं हो रही। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वैल्यू क्या है, टर्मिनेटिंग है। 1.25 क्या है, टर्मिनेटिंग है। अब डिवाइड के तो हम पता कर सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में आ जाता है कई बार कि विदाउट डिवाइड, विदाउट डिवाइड आप कैसे पता करोगे कि वैल्यू टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक मेथड होता है, वो क्या है कि रैशनल नंबर जो है वो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है। रैशनल नंबर किसके फॉर्म में लिखा जाता है, पी बाय क्यू की फॉर्म में। यहाँ पे क्यू जो है वो क्या है, डिनोमिनेटर है। क्यू क्या है, डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर है। यहां पे आपने क्या को जो है वो क्या करना है, देखना है, चेक करना है। क्या के आपने बनाने हैं प्राइम फैक्टर, क्या के आपने क्या बनाने हैं, प्राइम फैक्टर बनाने हैं। जब आप क्या के प्राइम फैक्टर बनाओगे तो क्या जो है
टू की पावर एम मल्टीप्लाई फाइव की पावर एन में आता है। जब आप क्या के प्राइम फैक्टर बनाओगे और क्या जो है टू की पावर एम मल्टीप्लाई फाइव की पावर एन में आ रहा है और एम एन क्या है इंटीजर्स है, एम एन क्या है इंटीजर्स है, तब आपकी जो वैल्यू है वो क्या होगी टर्मिनेटिंग होगी, क्या होगी टर्मिनेटिंग। जब आप क्या के प्राइम फैक्टर बनाते हैं वो प्राइम फैक्टर वाली जो वैल्यू है वो क्यू टू की पावर एम मल्टीप्लाई फाइव की पावर एन में आती है तब आपकी वैल्यू क्या होगी टर्मिनेटिंग होगी। और नॉन टर्मिनेटिंग में कब होती है, जब आप क्या के फैक्टर बनाओगे और टू की पावर एम ठीक है टू की पावर एम मल्टीप्लाई फाइव की पावर एन मल्टीप्लाई के यानी कि कोई एक और नंबर इनके साथ मिले आपको, जब आप क्या के फैक्टर बनाते हो तब टू की पावर एम मल्टीप्लाई फाइव की पावर एन मल्टीप्लाई के टू फाइव के अलावा कोई एक और नंबर उनके साथ है तो वो वैल्यू किस में आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाएगी, किस में आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग में, किस में आ जाएगी नॉन टर्मिनेटिंग में। और आपने एक और बात ध्यान रखनी है टर्मिनेटिंग में टू की पावर एम अकेला भी आ सकता है फाइव की पावर एन अकेला भी आ सकता है या फिर ये दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है ये अकेला आता हो लेकिन साथ में कोई और नंबर है के तो यहाँ पे क्या है कोई अलग नंबर है टू और फाइव को छोड़ दे इसके अलावा कोई और नंबर आता है जो फॉर एग्जाम्पल थ्री सेवन थ्री सेवन इलेवन थर्टीन इस टाइप के नंबर आते हैं तो वो किस में काउंट होंगे नॉन टर्मिनेटिंग में। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे क्वेश्चन करें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग करने के बाद हम क्या इनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। अब आपने क्वेश्चन करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि टर्मिनेटिंग जो है उसमें क्या हो यानी कि डिनोमिनेटर जो है टू की पावर एम मल्टीप्लाई फाइव की पावर एन और टू की पावर एम और फाइव की पावर एन में होगा तब क्या होगा टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कब होंगे जब टू की पावर फाइव एम की फाइव की पावर सॉरी टू की पावर एम मल्टीप्लाई फाइव की पावर एन है और साथ में क्या हो कोई एक नंबर हो इनको छोड़कर इसके अलावा कोई एक और नंबर होता है तो वो किसमें आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। अब हम लेते हैं क्वेश्चंस।